घोसी ब्लॉक क्षेत्र के बीबीपुर गांव में रविवार को नौ वर्ष पर बिना किसी प्रशासनिक सहयोग के युवाओं ने अपने पूर्वजों की याद में आपसी भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने का संदेश दिया गया और इस अवसर पर 60 जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किया गया। गांव के युवाओं की इस नेक पहल से पूरे क्षेत्र में चहुं ओर चर्चा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य सुभाष चंद्र यदुवंशी ने कहा कि जो काम जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के लोगों को करना चाहिए था, वह कार्य यहाँ के युवाओं ने कर जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है। बीपुर के युवाओं की ये नेक व सराहनीय पहल से निश्चित ही अन्य लोगों को इस तरह के रचनात्मक कार्य करने की सीख मिलेगी। कार्यक्रम के आयोजक सुहेल अहमद की अध्यक्षता व शन्नू आजमी के संचालन में चले इस आपसी भाईचारा सम्मेलन में, जहां शायर सलमान घोसवी व तज्जू दास ने अपनी रचनाओं से सांप्रदायिक सौहार्द व भाईचारे को मजबूत करने की बात कही, वहीं उन पूर्वजों की याद में दो मिनट का मौन रखकर हाफिज अब्दुल हफीज द्वारा गांव सहित देश में अमन चैन व खुशहाली के लिए दुआखानी की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से सैयद जफर आलम, रामकृष्ण यादव, मोहम्मद असलम, डॉक्टर मुन्ना यादव, प्रधान प्रतिनिधि मुन्ना गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य अभिषेक यादव, नन्हे खान, डॉक्टर अब्दुल मुजीब, मोहम्मद अरशद, विजय प्रकाश यादव, सीताराम यादव, फिरोज अहमद, रेहान उस्मानी, झारखंडे यादव, रवि मोदनवाल, नसीम अख्तर, चंद्रकांत बर्नवाल आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंत में इस कार्यक्रम के आयोजक सुहेल अहमद ने सभी आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।